कैसे हो? सब अच्छे होंगे और सबकी तबीयत पानी खाना सब कुछ परफेक्ट होगा। चलो मैं भी खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा। चलो तो गाइस, पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट टू में हम बनाएंगे फार्मिंग, थोड़ी सी बस फार्मिंग ही करेंगे पार्ट टू में, पर बहुत लंबी वीडियो बनेंगे फार्मिंग में भी। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पार्ट बनने तो कहीं और था, और इतना बड़ा घर कैसे बन गया, और मैं एक मतलब मैंने इतना बड़ा घर कैसे बनाया, और मैं कहाँ पे, और विलेज कैसे मिला। अब वो तो हुआ ये कि मेरे साथ, देखिए गाइस ये रहा मेरा विलेज, देख सकते हो। तो दोस्तों मैं मरा था एक क्रीपर के कारण, जिस क्रीपर को मैं क्या ही बोलूँ, खुद भी फटा और मेरे को भी लेके मरा। और तब मैं स्पॉन हुआ एक विलेज में, विलेज में स्पॉन हुआ तो मैंने उनका थोड़ा सा विलेज का भी सामान लूटा और थोड़ी सी माइनिंग की और कोवर स्टोन कलेक्ट किए। कोवर स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़े से दोस्तों वुड भी कलेक्ट किए, और ओक वुड कलेक्ट करने के बाद एक बड़ा सा घर बनाया। उसके बाद वहाँ पे मैंने दोस्तों सैंड, वहाँ पे बिल्कुल बगल में ही है इस विलेज के, तो वहाँ से मैं थोड़ा सैंड चुराया और वहाँ से मैं सैंड लेके आ गया। दोस्तों मेरे पास थोड़े से सामान है। दोस्तों ये है मेरा थोड़ा अंडर बेस ग्राउंड, मैं थोड़ी रेयर चीज़ें रखूँगा। तो और गाइस यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैंने गेट बना रखा जिससे मैं शॉर्टकट मार के निकल सकूँ बस। और तो गाइस चलो ऊपर चलते थोड़ा सा। और यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं बनाया मैंने, और एक छोटा सा एक रूम बनाया यहाँ पे अभी, और यहाँ से मैंने व्यू देखने के लिए बनाया अच्छा सा एक खिड़की, और यहाँ से भी नीचे बनाया शीशे से, और ये भी बहुत सारे शीशे से बनाया। तो गाइस और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी खिड़की बना रखी, आप देख सकते हो यहाँ से दिख रहा है सबको सीन, और वहाँ पे एक पिग है और ये खिड़की बंद खुली सकती है। और दोस्तों उसके बाद और यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैंने ऊपर छत बना रखी छोटी छोटी, थोड़ी सी टॉर्चेस लगा रखी, और यहाँ से व्यूज़, और यहाँ से थोड़ी मैं मतलब अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और यहाँ पे बैरिकेड मैं अगली वीडियो में मैं करूँगा गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मिल जाता है मेरे को रूम और एक गेट। दोस्तों चलते हैं बाहर, और अरे बाहर चलना। तो गाइस यहाँ पे मिलता है बढ़िया सा कैसल, कैसल में घुस गया एक विलेजर। और दोस्तों कैसल प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और दोस्तों ये पता नहीं आयरन गोलम कहाँ भाग गए सारे, मेरे को आयरन गोलम बाद में दिखाऊंगा आपको मैं। और ये चलो अपने चलते घर के अंदर गाइस, और आयरन गोलम मुझे मिले नहीं, तो अगली वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे सस्ते आयरन गोलम। और गाइस चलो अब मेरे को थोड़ा सा ऊपर जाना है, ऊपर जा उसके बाद हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर जाएंगे। और दोस्तों मुझे बनाना है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शावल बनाना है, स्टोन हो भी बनाना है। तो गाइस उनके लिए सबसे पहले मैं लेके आ जाता हूँ नीचे से थोड़ा सा सामान, इतना तो क्या समझिए हम। चलो नीचे से सामान लेके आता हूँ गाइस मैं थोड़ा सा, और चले हम नीचे, नीचे जाने के बाद हमें जाना है ओक वुड पे जाना है। ओक वुड पे जाने के बाद स्टिक्स नहीं चाहिए, स्टिक नहीं दूंगा, स्टिक नहीं दूंगा, चलते ऊपर सीधा बनाएंगे हम अपने लिए अभी एक हुक। सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल पे जाएंगे, वेपन के स्टार्ट्स पे जाएंगे, वेपन के स्टार्ट्स पे जाने के बाद उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे आर्मर पे। वहाँ से हमें चाहिए था एक शोवर स्टोन हुक, और हमने वो बना लिया, और हमारे पास सारे सामान है जो जो हमें चाहिए फार्मिंग के टाइम, और कुछ नहीं चाहिए गाइस, हमें बस इतना ही चाहिए था बस। और इस पे जाएंगे अब, इसके बाद हमें थोड़ा सा फार्मिंग के लिए चलो चलते हैं बाहर। तो गाइस गेट बंद हो जा, अरे यहाँ से जाता हूँ शॉर्टकट ले लेता हूँ, घर लेने की ज़रूरत क्या है, गेट बंद कर देता हूँ। अब यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे करूँ कहाँ पे करूँ, तो इधर परफेक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ तो गाइस ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी मतलब फार्मिंग यहीं से करेंगे, और चलो देखते हैं कहाँ से कंटिन्यू करूँ। हाँ यहाँ ना 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 यहाँ से भी नहीं, सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा सा बीच में ऐसे जैसे थोड़ा छोटा फार्म बनाना, तो यहीं से शुरू करते हैं, ये करते रहते हैं कंटिन्यू गाइस। अब कंटिन्यू करेंगे अपना फार्मिंग, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी और खोल देता हूँ। दोस्तों अब मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ना लंबी खींच जाएगी, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी खींच जाए। और बीच में अभी मैं गाना लगा रहा हूँ, तो गाने को भी इंजॉय करना और फार्मिंग को भी इंजॉय करना। तो चलो गाना सुनना और प्लीज़ देखना पूरी।
पूरा कर लिया यहाँ पे जितना मेरा काम था सब फार्मिंग का, तो अब मैंने यहाँ पे सब कुछ करना है मेरे को, बस यहाँ पे अब गाइस सीड लगाना है। तो सीड लगाने के लिए सबसे पहले मेरे को फार्म में ही मिल जाएगा बहुत सारा सीड। तो चलो सबसे पहले हम बीट रूट यहाँ से ले लेते हैं, बीट रूट हम ले लेते हैं और कुछ पोटैटो भी उगाए गए हैं। पोटैटो कहाँ से आ गया बीट रूट के बीच में, जैसे हाँ गलती से हो गया होगा। तो यहाँ पे हम पहले बीट रूट काटेंगे, बीट रूट टूट नहीं रहा है, टूटने के बाद अब ये सीड है, अगर मैंने इसको तोड़ा तो मुझे बस सीड ही मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। बीट रूट मिला और यहाँ पे भी बीट रूट ही बीट रूट है हर जगह। तो सबसे पहले बीट रूट फटाफट तोड़ते हैं हम बिना किसी वक्त के। तो बीट रूट तोड़ेंगे, सॉरी फॉर दिस, बीट रूट तोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीट रूट तोड़ने के बाद वहाँ पे अब अपना बीट रूट उगाएंगे। हमारे पास टोटल बहुत सारे सीड्स आ गए, मेरे पास 20 सीड्स आ गए, बहुत काफ़ी मेरे लिए, मेरे सबसे काफ़ी है फार्म उस जगह के लिए, क्योंकि मेरे को अभी उसको इतना अभी बढ़ाना नहीं है मतलब, और उसको इतना ज़्यादा मतलब इतना बड़ा फार्म नहीं बनाना अभी, अगली वीडियो में बनाएंगे या अगली आगे फ्यूचर में बनाएंगे थोड़ा बड़ा उसको। और थोड़े से मैंने अभी स्किप की, तो हाँ चलो दोस्तों बनाते हैं। और यहाँ पे सारे मतलब इसमें मुझे वाटर डालना पड़ेगा गाइस, वाटर डालने के लिए हमें चाहिए बकेट, और बकेट मैंने बना रखी है पहले से ही। तो यहाँ पे सबसे पहले उगा लेते हैं उसको, और यहाँ से हम पानी लेके आते हैं, पानी लाने के लिए बकेट हमारे पास है, चलते हैं पानी लेके आते हैं। तो आपको अगर अनलिमिटेड वाटर सोर्स चाहिए तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अनलिमिटेड वाटर सोर्स देख सकते हैं। पर मैं ये करूँगा, ऐसे करता रहूँगा तो वीडियो लंबी पड़ जाएगी, इसलिए मैं अपने यहीं पर वाटर बनाऊँगा अनलिमिटेड सोर्स का। तो वाटर सोर्स बनाने के लिए यहाँ से सबसे पहले पानी ले जाइए गाइस, पानी ले जाने के बाद पानी ले जाने के बाद यहाँ पे हम एक मतलब छेद करेंगे, और यहाँ पे एक मेज जैसे वाटर सोर्स नहीं मिला रहे थे मुझे, चार ब्लॉक्स बनाने के बाद ही मुझे अनलिमिटेड वाटर सोर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एक दो में ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं एक और चाहिए, और पानी का भी ख़त्म हो गया, मुझे लेके आना पड़ेगा। और ये पानी लेके आ रहे हैं और चलते हैं, और यहाँ से पानी वापस गिर गया यार, पानी उठ जा, पानी भरे, और उसके बाद हमें जाना है वहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद इस पर, और ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया हमारा, तो यहाँ से आपको मुझ कब अनलिमिटेड पानी मिलेगा। तो फटाफट से दे देना सब करते हैं, तो वीडियो को मैं थोड़ी यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसी पे। तो वीडियो को पूरी देखो कर गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो यार, और चैनल को लाइक भी, इस वीडियो को लाइक भी कर देना गाइस। तो मैं वीडियो थोड़ी लंबी कर को फास्ट कर दी है, और यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी बन जाए, तो वीडियो लंबी ना बने, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। और उसके बस यहाँ पे थोड़ा सा वाटर सोर्स का फटाफट से, अगर एक भी पैन मेरा भर गया मुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, फटाफट से एक और चीज को, बहुत टाइम लग रहा था, थोड़ी मैं स्किप कर रहा हूँ गाइस। तो मेरा फार्म पूरा बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारे सीड्स लगा लिए, बस वहाँ पे 2-3 सीड बचे हैं जिनको भी मुझे लगाना, थोड़ा खा लेता हूँ खीरा, और अब चलते हैं अपने घर के अंदर। तो गाइस हमने बना लिया अपना फार्म, आप लोग देख ले हो, ये देखो फार्म बन चुका है गाइस, और वहाँ पे बस थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, इसको भी भर देता हूँ फटाफट से 2 खीरे, और यहाँ पे भी थोड़ी सी कर देता हूँ फटाफट, टाइम नहीं है। एक तो यहाँ पे एक और खीरा, और यहाँ पे भी एक और, अरे यार तोड़ना नहीं था इसको, हाँ लगा दिया अब इसका थोड़ा सा, और यहाँ पे खीरा इसको भी तोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक वाटर सोर्स ले लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से एक वाटर सोर्स, और यहाँ पे खीरा लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने खीरा, यहाँ से बन गया हमारा वाटर सोर्स, सब कुछ बन गया है, और हमारा फार्म भी बन चुका है छोटा सा, और यहाँ पे एक खीरा वहाँ लग गया। तो दोस्तों ये जो आपको छोटा सा गैप दिख रहा है, इसमें मैं बनाऊँगा एक स्टोरेज या माइनिंग जगह बनाऊँगा, छोटी सी माइनिंग वाली जगह, या माइनिंग करूँगा यहाँ से। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।